देखिए सबसे पहली बात है आवाम से कनेक्शन का इंडियन आर्मी के लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है और एक उम्दा किस्म का कनेक्ट है। तो इसके लिए हमें आज की तारीख में कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो हम एक पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तहत के अंदर करते हैं ताकि जिस तरह उनकी जो एक काबिलियत है उनकी जो एक पहुँच है हम उसको एक प्रोसेस सप्लीमेंट कर सकें। वरना आप देख ही रहे हैं कि आज की तारीख में पूरा जो टूरिज्म की तरफ एक माहौल है एक बहुत ही अच्छा माहौल है। रिकॉर्ड किस्म के टूरिस्ट आ रहे हैं, बाहर के तो टूरिस्ट हैं ही हैं बट लोकल टूरिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी को इतना ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट डालने की ज़रूरत है, मगर फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके सप्लीमेंट हम सिविल एडम के काम को कर सकें, इसलिए हमारा ध्यान इस तरफ होता है। पिछले साल यही प्रोग्राम हमने युसमग में करा था और दूधा पथरी रह गया था। इस बार हमने कोशिश करी कि इस बार दूधा पथरी में करें ताकि यहाँ पे इसकी जो एक वैल्यू है, इसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काम व्यवसाय के लिए थोड़ा सा एक डाइवर्जन भी हो, लोग यहाँ भी आए। सर उड़ी में नार्कोटिक्स रिकवर किया गया, आपको लगता है जो नार्को टेररिज्म है उसके हवाले से जिस तरह हम सक्षम है सरहद पर, लेकिन जो प्रयास है वो लगातार हो रहे हैं उसके हवाले से थोड़ा कहिए जो उड़ी में ऑपरेशन चलाया गया। देखिए जो ये ड्रग्स हैं और इन सब चीज़ों का जो काम है ये पुलिस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक LC के ऊपर बॉर्डर मैनेजमेंट का है, LC मैनेजमेंट का है। हाँ उसके दौरान अगर कुछ ऐसा होता है तो पुलिस के हवाले से ये पूरी कार्रवाई करी जाती है और ये उनका रोल है, एफर्ट होता रहेगा। ड्रग स्मगलिंग एक तरीका है, जरिया है गलत काम करने का, वो यहीं से नहीं होता है, पूरे देश में कई जगह से होता है, यहाँ पर भी होता है और मुझे यकीन है कि पुलिस इसके ऊपर तत्पर है, वो अपना ड्यूटी अच्छी तरह निभा रही है। आप देख लीजिए इस साल काफ़ी रिकवरीज हैं, इसका मतलब पुलिस का अच्छा अच्छा इंट आ रहा है, अच्छा फोकस है और मुझे यकीन है कि ये ड्रग्स कंट्रोल होंगे ताकि हमारे यूथ बच सकें इस जहर से और अच्छे काम की तरफ चल सकें। थैंक यू सर।